एक जंगल में तीन बकरे रहते थे। तीनों भाई थे जो हमेशा मिलजुल कर घास खाते थे। एक बड़े से मैदान में वो रोज जाते और पेट भर खाकर खुशी खुशी साथ रहते थे। धीरे धीरे वहाँ की घास खत्म होने लगी तो सबसे बड़े बकरे ने कहा, अब हमें यह जगह छोड़नी होगी, यहाँ खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तब उस सबसे छोटा बकरा बोला, नदी के दूसरी तरफ जगह है जहाँ चारों ओर घास ही घास है, अगर हम वहाँ चले जाए तो पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। तभी बीच वाला बकरा बोला, लेकिन हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, नदी पर पुल के पास एक राक्षस रहता है जो वहाँ से जाने वालों को खा जाता है। तब बड़े बकरे ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, और दोनों बकरों के कानों में कुछ कहा और सभी बकरे खुशी खुशी नदी की ओर चल पड़े। पुल के पास पहुंचते ही सभी बकरे एक पेड़ के पीछे छिप गए। तभी बड़े बकरे ने सबसे छोटे बकरे की पुल पार करने के लिए इशारा किया। जैसे ही छोटा बकरा पुल पर पहुंचा तो राक्षस आ गया और बोला, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी बकरा बोला, राक्षस महाराज, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप एक काम कीजिए, पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो बहुत मोटा है, आप उसको खाकर अपनी भूख मिटा लो। राक्षस को अपने लिए महाराज शब्द सुनकर अच्छा लगा। खुश होते हुए राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई को खा लूँगा। छोटा बकरा वहाँ से चला गया। इसके बाद बड़े बकरे ने दूसरे बकरे की तरफ इशारा किया। फिर वो भी पुल पार करने के लिए जैसे ही पुल पर पहुंचा, राक्षस बोला, मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी बकरे ने घबरा कर बोला, हे राजाधिराज, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा, मैं तो आपके नाश्ते के बराबर भी नहीं हूँ, आप थोड़ा और इंतजार करें तो आपको ऐसी दावत मिलेगी आप कभी नहीं भूलोगे। राक्षस बोला, कैसे? तब बकरे ने कहा कि पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो मेरे जैसे 10 बकरों के बराबर है, आप उसे कई दिनों तक खा सकते हो। राक्षस ने अपने लिए राजा धीराज और मोटा बकरा खाने की बात सुनकर खुश हुआ और उसे जाने की इजाज़त दे दी। आखिर में सबसे बड़ा बकरा पुल पर चढ़ा। तभी राक्षस आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। हंसने के बाद राक्षस बोला, आज तो बड़ा मजा ही आ गया, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर बकरा कुछ कदम पीछे गया और तेजी से दौड़ता हुआ राक्षस के सीने पर अपने सींग से वार किया। अचानक हुए वार से राक्षस संभल नहीं पाया और पानी में गिर गया। गिरते ही वह नदी के तेज बहाव के कारण बहता हुआ दूर निकल गया। इसके बाद तीनों बकरे आराम से अपनी जिंदगी नई जगह में घास खाते हुए गुजारने लगे। कहानी से सीख, मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत व सूझबूझ से काम करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।